बारीपदा पीआरएम मेडिकल कॉलेज रे भयावह अग्निकाण्ड मेडिकल तृतीय महला ओटी रूम रे निया लागिथिबा जणा पडिछि। आज दिन दुईटा समय रे निया लागिथिबा जानिबा परे हॉस्पिटल कर्तृपक्ष तुरंत अग्निशम विभाग को खबर देथिले। घटनास्थल रे अग्निशम वाहिनी पहुंची निया को आयत करिछंति, तबे शॉर्ट सर्किट जोगु निया लागिथिबा अनुमान करा जाउछि। पीआरएम कर्मचारी माने तृतीय महलारु समस्त रोगी को अन्य स्थान को स्थानांतर करिछंति, तबे कोनोसी रोगी का किछि क्षति होइनाय। ये गुरुत्वपूर्ण खबर आसी पहुंचुची जे बारीपदा पीआरएम मेडिकल कॉलेज रे भयावह अग्निकाण्ड घटी, शॉर्ट सर्किट जोगु निया लागिथिबा संदेह बा अनुमान करा जाउछि। न्यूज 7 रे आपण एक्सक्लूसिव विजुअल आपण टीवी माध्यम रे देखि परुछंति वर्तमान सेटाकर स्थिति किभळी रहिछि। दिन दुईटा समय रे निया लागिबा जेतबेले सूचना सामना को आसिला, हॉस्पिटल कर्तृपक्ष तुरंत अग्निशम विभाग को खबर देथिले। घटनास्थल रे अग्निशम कर्मचारी पहुंची निया को आयत करि सारिछंति। शॉर्ट सर्किट जोगु निया लागिथिबा जदियो वर्तमान समय रे संदेह करा जाउछि, किंतु पूरा स्पष्टता सामना को आसी नै। पीआरएम कर्मचारी माने तृतीय महलारु जेतेबेले समस्त रोगी रहिथिले, समस्त रोगी को अन्य स्थान को स्थानांतर करा जाय सारिछि, किंतु किभळी भाबरे हॉस्पिटल बाहर लोकारण्य होइछि से दृश्य आपण देखि पारुथिबे। कोनोसी रोगींकर किछि क्षयक्षति होइनाय, ये निहाती रूपरे आश्वस्तिकर खबर जे ए घटनारे कोनोसी व्यक्तिंकर किछि भी असुविधा होइनाय। किंतु घटनास्थल रे पहुंचिबा परे जो माने अग्निशम कर्मचारी रहिथिले सेमाने यथासंभव नियाकु आयत करबा पई गोटे दुटा रूम रु आपणकर शॉर्ट सर्किट है कि बोधे आपणकर निया बाहर आरंभ होता, तेणु तार भयावह रूप नवा पूर्व पूरा एंटायर मेडिकल टीम आसिक पहुँची, फायर ब्रिगेड पहुँची एवं आमर मान्यवर एसपी आसिक पहुँचे, पुलिस बाहन सबू साधारण लोक समस्ते से फ्लोर टा को इवाकुएट कर दिखाई से बर्तमान कौन से कैजुअलिटी ना सब लिभि जाए ना, किंतु थर्ड फ्लोर रे पूरा धुआ अच्छी से समस्त को शिफ्ट करा भी सर्च चली भितर समस्त को शिफ्ट करा एमती किए मिसिंग ना एमती किए भितर रे किसी फायर मान बर्न इंजुरीज किसी ना। इमिडिएटली पेसेंट को आम सिफ्ट करूँ, ऑपरेशन चलिया पेसेंट को सिफ्ट करी तार कंप्लीट करूँ तार काम, और से ही वार्ड में आम गायनिक वार्ड थी पेसेंट मान को इमिडिएटली सिफ्ट कराला, इमिडिएटली फायर ब्रिगेड को फोन कराला से मैंने इमिडिएटली पहुँचिले, बर्तमान फायर एक्सट्रिक प्रोसेस चली सबू पेसेंट को इवाकुएट कराई। ए प्रसंगे अधिक सूचना पाई आम सहित फोन लाइन में जोड़ी जाइंट आम प्रतिनिधि अभिजित महांती। अभिजित बर्तमान घटनास्थल स्थिति को आप किभली देखुंट ना देखो सर्वप्रथम तो कहि निश्चित भाव बहुत बड़ दुर्घटना को एरी दिखाई धन्यवाद देवा पड़ो अग्निशम विभाग कर्मचारी और मेडिकल स्टाफ जो मैंने तुरंत पदक्षेप नहीं सर्ट सर्किट होवा बाहर मात्र से अग्निशम विभाग को खबर देते दमकल आसी पहुंचा भितर जो जो रूम मात्र दुईटी रूम जो सर्ट सर्किट रुआ आरंभ होता से सब लोकी को से तुरंत तलर दुईटा फ्लोर को से स्थानातर करने आरंभ कर देते अग्निशम विभाग जो 15-20 मिनट भितर आसिक पहुंचे से सहित जोग देते तेणु मोटामोटी भाव में अध घंटे भितर नि बड़ रूप नवा पूर्व अध घंटे भितर पूरा समस्त गोटे फ्लोर र समस्त रोगी को तल को सिफ्ट कर दिया तारी गोटे बड़ धरण गोटे जो दुर्घटना घटा जाऊला अटकई पार तुरंत हॉस्पिटल कर्तृपक्ष कहतु सीडीएम एडीएम कहतु जिला एसपी निजे आसिक पहुंचे बारीपदा पौर परिषद अध्यक्ष निजे पहुंचे तेणु समस्ते गोटे तुरंत पदक्षेप जहां नवा कथा युद्धकालीन भितर नहीं बर्तमान सादा स्थित अनुसार जदियो दुईटा गोटे फ्लोर रो दुईटा रूम रे निया लागितला अग्निशम विभाग संपूर्ण भाव में निया को निज आयत्त को नहीं कौनसी स्थिति कौनसी जगार नहीं केवल धुआं हॉस्पिटल भितर आए अच्छी जोटी एडजस्ट फैन व्यवस्था कराऊँ जोटी की धुआं इवाकुएसन कहीं जो जो महलार जो सात महल निया लगी सी स्पेशली स्वतंत्र भाव में शिशु और महिला मानकर सेक्शन पूरा तेणु सद्य जन्म शिशु जेहेतु से बिल्डिंग अच्छा तेणु
समस्ते गोटे तुरंत पदक्षेप नौ संपूर्ण भाव में जदि आयत्त को निजी तेज धूआं जदि कौन शिशुर कौन क्षति हुए समस्ते जत्नवान अच्छा एवं समस्त को कहा गोटे कथा जे आउ गोटे फ्लोर जो तल फ्लोर रो जो मैंने अच्छा से कौटि की इवाकुएट कर तार व्यवस्था बर्तमान कर अभिजीत निहाती भाव में बर्तमान समय प्राथमिकता दिजार आवश्यकता रोचे जे कौन रोगी कि भाव में क्षति न पहुंचे किंतु ये सब भितर जानवापी चाहिए अभिजीत जी बर्तमान समय किसी भी स्पष्टता आसूची निआ लग पक्षर कारण कौन एवं अपर पक्षे पखापाखि केते जनिया अग्निशम टीम लगी जहाँफल निआ को यथाशीघ्र आहत कर अग्निशम विभाग टीम तुरंत आसिक पहुंचे और हॉस्पिटल जो सिक्योरिटी विभाग सब बेस धन्यवाद देवा पड़ो कारण सिक्योरिटी विभाग जो कर्मचारी मैंने अच्छा पाखापाखि पंद्रह जन कर्मचारी तुरंत से लगी किए अग्निशम विभाग खबर देखा तो एपटे सात जन कि आठ जन तुरंत ऊपर को उठी स्ट्रेचर मध्यम जो आसन प्रसवा मैंने इवाकुएट करने तल फ्लोर को लेते हैं बर्तमान जो टीम लगी पूरा हॉस्पिटल टीम मैनेजमेंट टीम जो हॉस्पिटल आउटसोर्सिंग टीम से अग्निशम विभाग टीम काम लगी सहित जिला एसपी निर्देश देते रिजर्व गोटे पुलिस स्पोर्ट्स मसल आसर प्रतीक शांति श्रृंखला भाव में समस्त रोगी को अन्य फ्लोर को सिफ्ट कर स्थानातर करारी नजर दूसरी तो मोटामोटी भाव में मुझे बड़ धरण अग्निकाण्ड को एड़ी दि जाए बर्तमान शीघ्र आज कौन रोगी कौन सत्यजात शिशु कौन विपद ना ओके अभिजीत ए सब भितर वर्तमान समय घटनास्थल रे आउ कोनोसी अधिकारी उपस्थित अछंती कि नहीं से बाबद रे टिके स्पष्टता चाहिबो एवं जेहेतु घटना गोटे घटी जाय छि हटात किना एभली घटना घटी गला अनेक जो माने रोगी का संपर्क थिबे से माने मध्य बाहरे बोलुथिबे वर्तमान से परिस्थिति को टिके आयत भितर को आनिबा पाई पुलिस पक्षरो प्रयास आरंभ करा जाउ छि कि निश्चित भाव मुझ कथा कहमि जे जिला आरक्षी अधिकारी गोटे रिजर्व रोटे बड़ टीम गोटे पूरा भैन पठाई जे से शांति श्रृंखला रक्षा करेंगे लोक कि भाव में दौड़ा दौड़ी नए व्यस्त नए जो उदार कार्य हो प्रथम प्रारंभिक स्तर में जिला एसपी निजे आसिक नजर देते पूरा समस्त से नवेदन करस्त अलग किसी नहीं समस्त ये अच्छा कौन क्षय क्षति हमी से प्रथम कही बर्तमान आम जब कह अग्निशम विभाग टीम हस्पिटाल दुईटी टीम और पुलिस विभाग गोटे बड़ टीम पाखापाखि पंदर रु सतर जन पुलिस कर्मचारी ये रही समस्त निज निज काम अच्छा समस्त पूरा निआ को बर्तमान आयत्त करवल जो दुईट रूम अग्निशम विभाग जाइया लुभे जो सर्ट सर्किट होता है जो क्या करते से कौन भी भाव में है जो हॉस्पिटल जो इलेक्ट्रिकल टीम अच्छी से अटोमेटिक भेजे गोटे तर्जमा कर सारे फल्ट जो त्रुटि विच्युति दुर्टा भी धरी सारे कौटि फल्ट होता है से स्पष्ट करते गोटे सर्ट सर्किट रु निर उत्पन्न होने तार रिपेयर आरंभ कर सारे जहां कह हॉस्पिटल कर्तृपक्ष पक्षर जो सीडीएम अच्छा सीआरएम सुपरिटेंडेंट मतलब अच्छी आम गोटे विज्ञप्ति देने एडीएम निजे नरेन्द्र महांती तेणु समस्त ये प्रेजेंट अच्छा समस्त उपस्थित अच्छा संपूर्ण भाव में आउ थे केमी रोगी सेवा को पूरा नियमित करेंगे समस्त लगी ये गोटे आश्वस्तिकर खबर जे एत बड़ दुर्घटना समस्ते बर्ती जाती कौन सी जीवन हानि होना किंतु वर्तमान समय रे जेहेतु तृतीय महलार ओटी रूम रे निया लगी कौन सी आसबावपत्र कौन सी जिनस क्षय क्षतिर कि भी आकलन करा कि ना बर्तमान प्राथमिकता दि जाऊँगी मेडिकल जो मैंने रोगी रही से सुरक्षित स्थान दिजा सहित जो मैंने संपर्क रही कि भाव में भयभीत न होते से अधिक टी गुरुत्व दि जा निश्चित निश्चित भाव में नई मुझे कथा कहूँ जो दुईटा रूम रे लगी जो फॉल्स सीलिंग आम जो देखो विभिन्न फॉल्स सीलिंग तैयारी सीलिंग ऊपर जो इलेक्ट्रिकल वायर दि जाए से भितर ही निहार उत्पत्ति होता है दुईटा रूम र सीलिंग संपूर्ण भाव में कहवाक गले गोटे पोड़ जाइए और केवल अग्निशम विभाग ठीक सिलिंग पोड़ पड़ुवा बेले आसिक पहुंची कौन से आसबावपत्र निहां लगे ना कि संपूर्ण भाव में अग्निशम विभाग पा स्प्रे कर सब आसबावपत्र को बुझे रही आउ नि कौन आड़े न जीव तेरे दीट रूम संपूर्ण भाव में क्षय क्षति होगी आम कह आसबावपत्र जदि क्षय क्षति होना किंतु रूम भितर जो सिलिंग था लाइट था सब जिन निश्चित भाव में क्षय क्षति है
प्रतिक्रिया रखुथिबे सेमाने ए घटना को नै किछि भी कहउछन्ति कि वर्तमान समय से दिगरे किछि तथ्य आसी परुछि देखंतु सेमिती कोनोसी घटना तो सामना को आसी नै तबे रोगी को जो अटेंडेंट थिले सेमाने निश्चित भाव रे अति भयभीत होइ गेछन्ति कारण देखंतु गोटे प्राप्त वयस्क रोगी आ गोटे सद्यजात शिशु ता भीतर जो इमोशन न कथा आछि एही पाई सेमाने सुख व्यक्ति डरिछन्ति ते कहार भौनी कहार भू कहार स्त्री सेमाने सद्यजात शिशु को नै सेति थिले रोगी को जो तल को सिफ्ट कर प्रत्येक अटेंडेंट को रोगी अभिजीत सब भितर जानिबा पाखापाखी केते सद्यजात शिशु रहितले जियो मानको कि थर्ड फ्लोर रु सेकंड फ्लोर को स्थानांतरित करा गला एवं सेमाने समस्त सुस्थ अछंती ए बाबद रे किछि स्पष्टता रहिछि देखो जो दुईट रूम सब बेड पड़ा शुणा जदि आम सीधा सड़क देखी ना शुणा रूम रे दि चारि जन थिले तेणु आम गोटे सीधा सड़क हिसाब कर पारा जे कोड़े रोगी बा कोड़े सद्यजात शिशु किंवा आसन प्रसवा मानक स्थानातर कर जो मानक बर्तमान विशेष भाव में गोटे ट्रिटमेंट दिहि जो मान चिकित्सा अलग भाव में स्वतंत्र भाव में निहि काले कौनसी नहीं आउ कथा कह केवल से कोड़े नुहे तापे से पाख रूम रख वार्ड रो मैंने जो मान नुआ छुआ जन्म आई जो मैंने आसंता काली आज जो मान डेट अच्छी जो मैंने आसंता प्रसव अच्छे समस्त समस्त चिकित्सा पूरा डाक्टरी टीम पूरा फोर्स लगी समस्त करगर अक्सीजेन भेन्टिलेटर व्यवस्था कराई जो कि क्रिटिकल केस थी छुआ मान सांगे सांग स्थानांतरित कर भेन्टिलेटर भितर को घंटे दि घंटा भेन्टिलेटर रखी सारा पर अभिजीत ए सब भितर जो मैंने आपण जमी कहते जो मानक डेलीवरी पाखापाखी थी आज कि काली सहित किसी सद्यजात शिशु जन्म नहीं किभली भाव में वर्तमान समय मेडिकल फैसिलिटी दि जाए पार आउ कौन से हस्पिटाल साहय नि कि से बाबद किसी तथ्य आसूँ कि कारण ओटी जिते बड़े निआ लग जाख हस्पिटाल साहय नि कि देखो हस्पिटल पाखापाखी आज जो चार पांचटी नर्सिंग होम अच्छी सभी मध्य गोटे संपर्क करा कहीं पिओर मेडिकल कलेज और बारिपदार जो हेडक्वार्टर हस्पिटल जो दिटा को मिसे दि जाए ताल हुए तो कौन बाहर नर्सिंग होम ररकार पड़ोनी बर्तमान आशा करीडीएम और एडीएम गोटे संपर्क रही जदि सेमती कौन जटिल परिस्थिति सृष्टि है ताले हॉस्पिटल पाखापाखी जी नर्सिंग होम अच्छी भेन्टिलेटर और आईसीयू कोवर्ड करे जहां गोटे सूचना मिलूँ जदिव से आनुष्ठानिक भाव में ऑफिशियली से कथा कही ना कि गोटे आलोचना चलती जे विभिन्न जो नर्सिंग होम आखपाखी अच्छी गोटे एवार्ड करोटे एलार्म दि जाने आईसीयू और भेन्टिलेटर को टे खाली रखिए जीक पर्यंत जदि दरकार पड़े से स्थिति जीक पर्यटन साहब सहयोग पक्ष निवस्था करने समस्त
ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି ଏବେ। ଓକେ ଅଭିଜିତ ମୋଟା ମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆୟତ ବୋଲି ଆମେ କହି ପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଳିନୀ ମୁଁ କହିବି ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆୟତରେ ଅଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ରୁମ ଏବେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଲୋକମାନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ହଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ସାତ ମହଲାର ଲିଫ୍ଟ ଅଚଳ ହେଇପଡିଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ହୁଏତ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଟିମ୍ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ସିଡ଼ିରେ ଦୌଡି ଦୌଡି ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଲିଫ୍ଟକୁ ଜଲ୍ଦି ଏୟାର ଭିତରେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଲିଫ୍ଟ ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟ ପୁରା ଖରାପ ଅଛି ସେ ଲିଫ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ତାରି ପାଇଁ ଯୋଉ ଲିଫ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଏଇ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ସେ ଲିଫ୍ଟ ତିଆରି କରିବେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସିଡ଼ି ଦେଇକି ସବୁ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇଯାଇଛି ତେବେ ୟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଅଭିଜିତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ ଯେ ଯଦି ଯୋଉ ଲିଫ୍ଟ ଖରାପ ରହିଥିଲା ଯଦି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସେ ସମୟ ଭିତରେ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଆଉ ଟିକେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାନ୍ତା କାରଣ ହଠାତ୍ ଏତେ ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଇଏ ଟିକେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ।